सारे बच्चों से, सबसे, सारे हिंदुस्तान से, सारे दुनिया से अपील कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। इन्होंने, इसने बहुत टॉर्चर करके मेरा बच्चा खत्म कर दिया, बस और कुछ नहीं कह सकती मैं। क्या चाहती है मैम, क्या सजा हो रहा है? जिंदगी भर वो जीते रहे और सड़ते रहे जेल के अंदर, मौत ना मिले उसको। कोई अपना का इस तरह का हादसा हो जाता है तो सबसे पहले अपने सबसे पास का जो नर्सिंग होम होगा या डॉक्टर होंगे उनके पास ले जाएंगे लोग, है ना। वहाँ से निकाल के कोकिला बेन तक जाने का क्या जरूरत है? ये सबसे पहला शक खड़ा होता है यहाँ पे। बाकी पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ ऐसा ही बिहेव किया था कि प्रत्युषा को सबसे अलग कर दिया था, सिर्फ परिवार वालों से नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं, उसके सारे दोस्तों से। ये लड़का टोटली फ्रॉड है। अब और किसी के साथ ऐसा ना हो बोल के हम ऐसे अब लड़ाई कर रहे हैं, और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना, बच्चे के साथ बहुत बहुत, और कोई फ्रॉड किसी बच्ची को इस तरह से बर्बाद ना करे। दिस बॉय एंड उनके फादर, यही दोनों प्रत्युषा के फिनांस हैंडल कर रहे थे, तो ये बेहतर बता सकते हैं आपको। अगर वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है और वो लोग इतने पैसे वाले हैं और प्रत्युषा से वो बे इंतहा प्यार करता है और प्रत्युषा का डेबिट कार्ड यूज करता है और उसका सारा पैसा वही ले लेता है, क्या जरूरत था उसको लेने का? जरूरत था प्रत्युषा का डेबिट कार्ड लेने का और उसका चेक को बैंक में डालना? और कुछ हमको तो उसका कुछ भी पता नहीं था लास्ट कहीं कई महीनों। अगर शादी करना था दोनों को तो अगर प्रत्युषा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी, जो कि वो नहीं थी, चलो मान लिया जाए कि अगर थी भी, तो ये लोग तो उसको निकाल सकते थे ना उस प्रॉब्लम से।